जाम, एयरपोर्ट जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं भाई, इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे। विश्वा, विश्वा रुको, विश्वा रुको, मत जाओ, गाड़ी में से मत उतरो, विश्वा रुको। तेरी मौत उन सभी लोगों के लिए एक सबक होगी जो भीमा भाई के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करेंगे। विश्वा, तुम इन लोगों को नहीं जानते, चलो यहां से। ठीक तो भाई, चलो आगे करो, होश में रहो, होश में रहो। आप लोग बाहर रहिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, बस आप प्रार्थना करिए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मना किया था ना, तुम्हें जाने के लिए कहा था, फिर क्या जरूरत थी उनका रखवाला बनने की? चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा, तुम नहीं जानते इसका अंजाम। हम इसलिए चुप नहीं बैठे कि हम डरते हैं। तुम जाओ विश्वा, सही वक्त आने पर हम जवाब देंगे। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, ना ही तुम्हारी वजह से अपने लोगों को। भाव इन लोगों के लिए देवता थे और हमेशा रहेंगे। चले जाओ। लगता है वो वापस नहीं जाने वाला। हमें लगा अभी वो बच्चा है। सिर्फ बच्चा नहीं है, भाव का बच्चा है। कहीं कल के डिमोलिशन में उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं होगी, उसे भी भाव के पास भेज देंगे। Come on.
मार दे। जिंदगी में कोई भी काम करो उसमें सफल होने का इरादा रखो। ये एक मर्डर केस है, जमानत नहीं मिल सकती। हमें विश्वास से मिलना है। सुना नहीं तूने? चल निकल यहां से। इंस्पेक्टर, ऊंची आवाज में बात करता है। हाथ किसके बल उठा देगा? जानता नहीं क्या लोगों को? तेरी
काकी मर्दी मार देंगे। मार मार। के बेटे विश्वा को अगर कुछ हो गया ना तो चलो इनको कोर्ट में देख लेंगे। कोई नया केस आया क्या? हाँ यार, भीमा के आदमियों को मारने का केस है। सुना है मुजरिम भाऊ का बेटा है। हाँ, लेकिन वो फॉरेन में पला पड़ा है। लेकिन अभी वो कहाँ है? हाँ, जेल में। सेंट्रल जेल में है क्या? नहीं नहीं, माइन पुलिस स्टेशन। ऐसे हालात में तो उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। भीमा भाई आप, तेरे बाप की अर्थी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू अपनी अर्थी निकलवाने के पीछे पड़ा है। सोचा था कि तुझे माफ कर दूं। वह नहीं करूंगा। तेरी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। तू क्या उखाड़ेगा? बहुत जल्द तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तू मुझे मारेगा। कुत्ते की मौत। तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे यही ठोक दूंगा। भीमा भाई, भीमा भाई, अगर इसे यहां मारोगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप इसे उठवा लो, उसके बाद आप इसके साथ जो करना चाहे करो। मेरा वादा है। बच्चे, तेरी सारी हेकड़ी आज रात को ही निकल जाएगी। विश्वा, छोड़ दो इसको। छोड़ दो। खोल दो रस्सी। हमारा काम है मुजरिम को कोर्ट लेके जाना, उन्हें मारना नहीं। बटन लगाओ। मैडम, इस केस में इन्वॉल्व होना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। चले जाओ यहां से, ये पॉलिटिक्स है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं और ना ही उनके लिए काम करती हूं। मैडम, आई विल सरेंडर हिम इन द कोर्ट। पानी। विश्वा, सर, एक प्रॉब्लम है। ओके। सर, ये लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो पकड़े हुए अपराधी को कोर्ट लेकर जाएं। तुम बीच में मत पड़ो। बट सर, विश्वा भी। मूव फ्रॉम देयर। दैट्स एन ऑर्डर। अबे, कल घर जा तू। सर, मेरी नाइट ड्यूटी। घर पे जाके नाइट ड्यूटी कर। ए, इधर आ। जी सर। मेरे लिए चिकन बिरयानी और मटन कोरमा लेके आ। आराम से आना, जल्दी नहीं। जी सर। गाड़ी रुको। अबे सालो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। चलो चलो, चलिए। विश्वा भाई, राजू, उठो। जल्दी 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 लेके जाओ। चुपचाप। ए, रुको रुको रुको। अबे, मुझे मार के तो जाओ। लड़ना चाहिए कि असलियत में ऐसा हुआ है। हाँ, अबे मार मुझे। अब तू मार।
जल्दी जाओ। विश्वा कहाँ? विश्वा? अबे ये तेरे आदमी अभी तो उसे लेके गए। कल रात को तुम्हारी कस्टडी में था, हमें अभी उसे कोर्ट में पेश करना है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर उसके लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया था, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह कोर्ट में पेश करूंगा। पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है, इस जैसे पुलिस वालों की वजह से लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है। कोई गवाह? नो योर ऑनर। क्योंकि अपराधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या कोई गवाह पेश नहीं हो पाया, इसलिए अदालत मिस्टर विश्वा को बेल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय ड्यूटी। कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने नहीं आया, डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। रखवाला वो नहीं होता जो हमें राह दिखाए, बल्कि हमारे लिए राह बनाए। सभी तुम्हें रखवाला कह रहे हैं, तुम में एक उम्मीद देख रहे हैं।